कैल्शियम के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं और कैल्शियम की कमी के कारण हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये भी ज्यादातर लोग जानते हैं। पर कैल्शियम की कमी का क्या हमारे दांतों पर भी कोई असर पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशन। कैल्शियम एक बहुत जरूरी मिनरल है जिसका हमारी बॉडी में बहुत रोल होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम बहुत सारी एंजाइम्स के काम करने में मदद करता है। कैल्शियम मसल्स की एक्टिविटी में मदद करता है, उनको सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। कैल्शियम हमारे हॉर्मोनल बैलेंस को बनाने में मदद करता है और ऐसे बहुत सारे काम कैल्शियम करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इन सभी कार्यों में रुकावट आ जाती है। तो कैल्शियम के सोर्स क्या क्या है? कैल्शियम का सोर्स है, कैल्शियम हमें बाहर से लेना पड़ता है, यानी कि हमारे खाने में, हमारी डाइट में जो भी हम लेते हैं उससे हमें कैल्शियम डेली लेना पड़ता है। क्योंकि कैल्शियम बहुत जरूरी मिनरल है और हमारा शरीर इसे नहीं बना पाता, इसलिए रोज कैल्शियम को एक मात्रा में लेना जरूरी हो जाता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में ग्रोथ ज्यादा होती है, तो 9 से 15 साल के बच्चों में कैल्शियम 1300 मिलीग्राम पर डे जरूरी हो जाता है। अगर हम बड़ों की बात करें तो 900 से 1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम हमें लेना चाहिए। अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो उन्हें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो लगभग 1500 मिलीग्राम पर डे उनको कैल्शियम लेना ही होता है। आपको अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो आपको लक्षण क्या क्या आएंगे? कैल्शियम की कमी से शुरुआती दौर में आपके हाथों में, पैरों में झंझनाहट जैसे टिंगलिंग सेंसेशन से कहते हैं, ऐसा आपको फील होने लग जाएगा। आपको थकावट फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जो मसल्स हैं, जो मेरी मांसपेशियां हैं, उनमें खिंचावट या स्पाज मार रहे हैं, और आपको अक्सर जो है जोड़ों में या घुटनों में या शरीर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। ऐसे आपको कैल्शियम की कमी के लक्षण नजर आएंगे। अब कैल्शियम की कमी के अगर लक्षण नजर आ रहे हैं तो हमारे शारीरिक हो गए, अब इन सबका दांतों पर क्या असर पड़ रहा है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कैल्शियम जो है वो दो जगह जाकर स्टोर होता है, पहला आपकी हड्डियों में, दूसरा आपके दांतों में। दांत जो है पूरे कैल्शियम के बने होते हैं, तो जैसे ही कैल्शियम की कमी होती है खून में, शरीर हड्डियों से और दांतों से कैल्शियम निकालकर खून में पहुंचाने लग जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपके दांत हो गए उनमें खून, उनमें भी कैल्शियम की कमी होगी। तो अगर दांत में कैल्शियम की कमी हुई तो जैसे हड्डियां कमजोर हो रही, ऐसे दांत भी कमजोर हो जाएगा। तो दांत कमजोर हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें कैविटी होने का चांस बढ़ जाएगा। और जो दांत है वो आपका हड्डी में ही तो जुड़ा हुआ है, तो अगर हड्डी में से भी कैल्शियम कम हो गया, दांत में से भी कैल्शियम हो गया कम, तो जो आपकी हड्डी है वो कमजोर हो गई और धीरे धीरे जो आपका दांत है वो हड्डी से निकल जाएगा, तो यानी कि आपके दांत भी झड़ने लग जाएंगे। एक स्टडी में तो यहां तक पाया गया है कि अगर आप देखें तो 2 साल में अगर आपकी कैल्शियम की कमी बनी रहती है तो जो आपका दांत है वो 2 साल में आपका एक दांत झड़ जाएगा। इतना मतलब ज्यादा कैल्शियम की कमी का दांतों पर असर हो सकता है। अब हम बात करें अपने इंडियन पॉपुलेशन की, तो 85% लोग कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के शिकार हैं। शुरुआती दौर में ये लक्षण हमें नजर नहीं आते हैं, कैल्शियम की कमी जो है वो एक लंबे अरसे के बाद हमें नजर आती है, क्योंकि शुरू में शरीर उसे खुद ही रेगुलेट कर रहा होता है, इसलिए हमें उसकी कमी का पता नहीं चलता है। इसलिए हर साल अपना एक टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। कैल्शियम की कमी क्यों होती है? क्योंकि हम खाने में प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, हम सूरज की रोशनी नहीं ले रहे हैं और विटामिन सी नहीं ले रहे हैं। अगर हम अपने खाने में कैल्शियम को प्रॉपर लेते हैं और हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट सूरज की रोशनी लेते हैं, तो हमारा विटामिन डी भी पूरा हो जाता है, और साथ में खट्टे पदार्थ जिसमें विटामिन सी है वो लेते हैं, तो हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और कैल्शियम की कमी कम होगी। क्या टेस्ट कराने चाहिए कैल्शियम की कमी को जानने के लिए? आपको ब्लड टेस्ट कराना है, और ब्लड टेस्ट में वो टोटल कैल्शियम जो है आपका या सीरम कैल्शियम है वो आपको बताएंगे, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है या नहीं है। तो कैल्शियम की कमी को नजरअंदाज नहीं करना है, साल में एक बार टेस्ट करा के जरूर देखना है कि अगर कैल्शियम की कमी है तो उसके लिए या तो आप सप्लीमेंट लें, सप्लीमेंट से अच्छा है अपनी डाइट में कैल्शियम इंक्लूड करें तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो कैल्शियम की कमी को नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आपने लंबे समय तक कैल्शियम की कमी बनाए रखी तो आपकी हड्डियां तो कमजोर होंगी, शरीर में बाकी प्रॉब्लम तो होंगी, साथ में दांत भी झड़ते जाएंगे। तो कैल्शियम की कमी को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। कैल्शियम से जुड़ी कोई आपकी और दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।